नमस्कार, स्मार्ट स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप लोगों का अध्ययन अच्छा चल रहा होगा। स्मार्ट स्टडी आपके लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर के निरंतर आ रहा है। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि अब स्मार्ट स्टडी आप लोगों को घर बैठे मुफ्त में इस प्रकार की स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाने वाला है, जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसी कड़ी में आज हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं सीनियर क्लासेस के लिए इंग्लिश का जो टॉपिक है नोटिस राइटिंग का। 11th और 12th जो क्लासेस है उनके लिए ये टॉपिक जो है काफ़ी उपयोगी रहने वाला है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से एक अच्छा जो नोटिस है आप लोग लिख सकते हैं और आपका का जो कंपोजिशन का जो पार्ट है वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकता है। अब नोटिस राइटिंग का टॉपिक आप जो है शॉर्ट कंपोजिशन का जो क्वेश्चन रहता है RBSE CBSE बोर्ड क्लासेस में जो है आपके जो पार्ट बी है, पार्ट बी का पहला ही क्वेश्चन जो आपके 4 मार्क्स का रहता है वो सबसे पहला ही क्वेश्चन रहता है। तो नोटिस राइटिंग, एक अच्छा नोटिस किस प्रकार से लिखा जाए उसको हम इस वीडियो के माध्यम से बेहद सरल तरीके से, बेहद ही प्रभावी तरीके से आज हम लोग सीखने वाले हैं। अब टॉपिक शुरू करने से पहले, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए और ये वीडियो अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा हो सके और मैं भी प्रेरित हो सकूँ आपके प्रेम और स्नेह से। चलिए प्रारंभ करते हैं। अब जहन में क्वेश्चन यही आता है कि नोटिस होता क्या है। अब बहुत से विद्यार्थी जो है इससे पहले पहल देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि नोटिस राइटिंग है क्या, तो ये बहुत ही सरल टॉपिक है। अब नोटिस का हिंदी अर्थ सामान्यतः क्या होता है? सूचना। सूचना यानी क्या करना है? किसी को इन्फॉर्म करना। सूचना देना मीन्स क्या होता है? इन्फॉर्म करना यानी किसी चीज़ के बारे में सूचित करना। तो नोटिस जो है वो एक ऐसा माध्यम है, छोटे से छोटा माध्यम है, जिसके माध्यम से हम किसी को किसी भी प्रकार के इवेंट के बारे में, कुछ नई चीज़ के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, तो वो कहलाता है नोटिस देना या उसको इन्फॉर्म करना या सूचित करना। तो नोटिस होता क्या है? नोटिस क्या है? इट्स ए रिटन और प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ अनाउंसमेंट। ये या तो लिखित रूप में या प्रिंटेड छपा हुआ जो है इन्फॉर्मेशन सूचना होती है, और न्यूज़ या न्यूज़ अनाउंसमेंट या किसी प्रकार की जो नई समाचार है उसकी घोषणा की जाती है तो उसको नोटिस बोलते हैं। यानी कुछ नया होना होना हो, फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में या आपके संस्थान के द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, तो आप विद्यार्थियों को इस बारे में सूचना देते हैं, लोगों को इस बारे में सूचना देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? नोटिस कहलाता है। और हर विद्यालय में या हर इंस्टीट्यूट में, हर जगह पर, कई जगहों पर नोटिस बोर्ड लगे हुए होते हैं जिसके ऊपर ये चस्पा किया जाता है। डिस्प्लेड एट अ प्रोमिनेंट प्लेस और पब्लिश्ड इन मैगजीन और न्यूज़पेपर। और ये नोटिस कहाँ पर लगाया जाता है? या तो निश्चित जगह होती है, जैसे भी मान लो विद्यालय उस या कोई इंस्टीट्यूट होता है उसमें आपके एक नोटिस बोर्ड होता है, या उसको पब्लिश किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है पत्रिकाओं में या समाचार पत्रों के माध्यम से ये नोटिस लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। इसके अलावा मेंट फॉर अ सेलेक्ट ग्रुप, ये किसी निश्चित जो है ग्रुप के लिए सूचना जो है होती है, यानी इन्फॉर्मेशन किसी वर्ग विशेष को देना होता है। जैसे विद्यालय में देंगे तो विद्यार्थियों को देंगे, या किसी कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों को, या कोई ऐसा इवेंट हो रहा है तो समूह वर्ग के लोगों को ये दी जाती है। इट्स टोन एंड स्टाइल आर ऑलवेज फॉर्मल एंड फैक्चुअल। इसका जो लेखन शैली है वो हमेशा औपचारिक और तथ्यात्मक रहती है, यानी फॉर्मल रूप से ये लिखा जाता है, ऑफिशियल रूप से हो सकता है या फॉर्मल रूप से इसके लेखन का कार्य होता है। एंड इट्स लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड फॉर्मल। इसकी भाषा शैली हमेशा सामान्य और औपचारिक होनी चाहिए। तो ये सामान्य से परिचय है कि नोटिस होता क्या चीज़ है। नोटिस एक सूचना होती है लिखित रूप में या प्रिंटेड रूप में, जो है ये किसी निश्चित जगह पर लगाई जाती है या न्यूज़पेपर में डाली जाती है। इसको जो है किसी वर्ग विशेष के लिए लिखा जाता है। इसकी भाषा शैली हमेशा सामान्य और फॉर्मल होती और तथ्यों पर आधारित होता है। अब जैसा कि अपने आपके सिलेबस में है तो उसमें क्या होता है, 50 वर्ड्स जो है इसके लिए निर्धारित होते हैं, वर्ड लिमिट है। शॉर्ट कंपोजिशन का ही एक टॉपिक है जो है आपके पहला पहले क्वेश्चन, यानी तीसरा जो है आपके क्वेश्चन सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है शॉर्ट कंपोजिशन का होता है। शॉर्ट कंपोजिशन के टॉपिक में आपके 5 टॉपिक थे, लेकिन इस वर्ष जो है COVID-19 की वजह से आपके सिलेबस को रिड्यूस किया गया, कम किया गया है, तो उसमें जो है 3 टॉपिक रखे गए हैं, जिसमें से पहला जो है आपके नोटिस राइटिंग का। अब देखिए इसके अलावा 2 टॉपिक और कौन कौन से प्यारे बच्चों आपकी जानकारी में है,
बिल्कुल सही है। एक तो इनविटेशन की रिप्लाई का दूसरा टॉपिक, और जो तीसरा है वो है आपकी एडवर्टीजमेंट राइटिंग, तो उसी में पहला टॉपिक है। तो चलो आइए आज क्यों ना अच्छे से तैयार करके ये 4 नंबर का टॉपिक कवर कर लिया जाए, आगे बढ़े फिर। ओके, अब देखिए अपने को कौन कौन सी बातें जो है एक अच्छा नोटिस लिखते समय ध्यान में रखनी है, जो इंपॉर्टेंट टिप्स कौन से हैं नोटिस लिखते समय वो अपने को ध्यान रखना है। डू नॉट क्रॉस दी वर्ड लिमिट, अभी मैंने आपको बताई थी वर्ड लिमिट कितनी होती है, 50 वर्ड्स से। यानी ये 4 अंक का जो सवाल है उसमें आपके शॉर्ट कंपोजिशन के जो तीनों टॉपिक अभी इस बार के सिलेबस में आपके हैं, जो पांचों टॉपिक हैं उनमें आपके सबकी शब्द सीमा जो है वो 50 वर्ड्स निर्धारित की गई है। तो 50 शब्द से बाहर नहीं जाना है, जितना आपसे पूछा जाए उतना ही जवाब अपने को देना है। अवॉइड रिपीटेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, इस बात का भी ध्यान रखना है कि अपने को किसी भी सूचना को वापस बार बार रिपीट नहीं करना है। एक बार जिस बारे में इंफॉर्मेशन दे दी उसी को वापस जो है बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है, तथ्यात्मक रूप से अपने को बने रहना है। फिर है मेंशन द नेम एंड प्लेस ऑफ द स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिस इश्यूइंग द नोटिस। अब सामान्य तौर पर जो नोटिस लिखा जाएगा तो उसमें अपने पहले ही पहल जो है अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि जो अथॉरिटी या जो इंस्टीट्यूट उस नोटिस को इश्यू कर रहा है उसके सबसे ऊपर जो हेडिंग में उसका नाम आता है, यानी जो प्रोवाइड करवाने वाला है नोटिस उसमें उसका नाम आएगा। ठीक है, फिर इसके अगला जो है अपने क्या ध्यान रखना है, राइट द वर्ड नोटिस एट द टॉप, सबसे ऊपर जो है इंस्टीट्यूट का नाम हो गया। उसके बाद जो है आपको ये ध्यान रखना है कि बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर में ये नोटिस वर्ड स्वयं जो है वो लिखा जाता है ना। ठीक है, फिर गिव एन अप्रोप्रिएट हेडिंग, उसके बाद उस नोटिस की हेडिंग भी दी जाती है, यानी ये नोटिस किस बारे में है उसका टाइटल आपको लिखना होगा। 3 स्टेप हो गए, सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, उसके बाद कैपिटल लेटर में बीच में लिखिए नोटिस वर्ड, फिर गिव एन अप्रोप्रिएट हेडिंग अच्छे से किस विषय पर। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी स्कूल दे रही है तो ऊपर स्कूल का नाम हो गया, फिर नोटिस हो गया। अब अलग अलग विषय हो सकते हैं, सपोज एनी काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, किसी प्रकार का सेलिब्रेशन है, सपोज योर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे, आपका विद्यालय चिल्ड्रंस डे मनाने वाला है, तो हेडिंग में क्या आ जाएगा, चिल्ड्रंस डे। आपका विद्यालय किसी प्रकार का कॉम्पिटिशन आयोजित कर रहा है तो उस कॉम्पिटिशन का नाम हो जाएगा। ब्लड डोनेशन कैंप है तो उस कैंप का नाम जो है आयोजन हो जाए। या किसी प्रकार की लोक सूचना है, कभी बिजली कटौती तो बिजली कटौती जो है वो इस प्रकार से उसकी हेडिंग हो जाएगी। फिर जो है अपने को ध्यान रखना है राइट द डेट ऑफ इश्यूइंग द नोटिस, और ये जो है कार्यालयों के द्वारा इश्यू किए जाते हैं सामान्य तौर पर, तो उसमें आपको डेट ऑफ इश्यू जो है नोटिस कब इश्यू किया जा रहा है उसकी दिनांक भी मेंशन करनी है। फिर क्लियरली मेंशन द टारगेट ग्रुप, अब इसमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये आप जो नोटिस किसके लिए जो लिख रहे हैं, फॉर होम, वो निश्चित रूप से अपने को ध्यान में होना चाहिए कि ये जो नोटिस किस लिए लिखा जा रहा है। उसमें मेंशन भी हो जाना चाहिए कि भाई ये जो सूचना समाचार है वो किसके लिए प्रेषित किया जा रहा है। फिर पर्पज़ ऑफ द नोटिस, अब नोटिस किस लिए लिख रहे हैं, तो जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, जो भी इवेंट आप लोग आयोजित कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का और कोई चीज़ आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिशन है, तो उसका पर्पज़ क्या है, आप उसके पीछे जो कारण है, आपका ध्येय क्या है, आपका मोटो क्या है, वो निश्चित रूप से उस नोटिस में मेंशन हो जाना चाहिए। फिर है डोंट मेंशन योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप जब नोटिस लिख रहे हैं तो आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है, व्यक्तिगत राय बताने की आवश्यकता नहीं है। आप नोटिस लिख रहे हैं तो अपने व्यक्तिगत विचार बार बार आवश्यक जो है लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके अलावा अब नोटिस जो इश्यूइंग जो एजेंसी है वो तो निश्चित रूप से बताएगी, वो सूचना तो देनी है लेकिन पर्सनल बातें बताने की ज़रूरत नहीं है। इंक्लूड द आंसर ऑफ ऑल द 5 W's, अब इन इन चीज़ों के आंसर आपके उस नोटिस में आने चाहिए, इन इन प्रश्नवाचक शब्दों के, व्हाट, क्या किस प्रकार का इवेंट आयोजित हो रहा है, उसका पर्पज़ क्या है, कब होगा, कहाँ पे होगा, और कोई पार्टिसिपेट कर रहा है तो कौन कर रहा है, या कोई कर सकता है तो कौन कर सकता है, ये सारी की सारी जो फर्दर डिटेल है वो उस नोटिस में मेंशन हो जानी चाहिए। मेंशन ऑल द रेलेवेंट डिटेल्स, ये इसमें सारी आएगी, व्हेन, वेयर, और ये व्हेन वापस टाइम का ही जो है, ये सारे के सारे जो है उसमें क्लियरली लिखा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप सीधा ही लिख दें, इतना ही लिख करके छोड़ दें कि सुनो 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 इस प्रकार का आयोजन हो रहा है, अब इतना कह के छोड़ दिया, आयोजन कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है,
तो लोग परेशान हो, उस नोटिस का कोई भी इफेक्ट नहीं, कोई भी प्रभाव लोगों तक पहुंच नहीं पाए, इस प्रकार का नोटिस नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर नेम एंड डिजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इश्यूइंग द नोटिस, और नोटिस कौन दे रहा है वो सबसे नीचे जो उसका पार्ट होता है, उस व्यक्ति के सिग्नेचर, उस व्यक्ति का नाम और उस व्यक्ति की डिजिग्नेशन, जो उसका पोस्ट है, किस पद पर जो नोटिस इश्यू करने वाला है, उस व्यक्ति की जानकारी होती है। और सबसे लास्ट में यही है, नोटिस हमेशा किस में रहेगा, एक बॉक्स में रहेगा। यानी नोटिस जो है सामान्य तौर पर एक बॉक्स में, यानी उसको वापस अपने को बॉक्स में बंद करना है। तो ये थी प्यारे बच्चों, नोटिस लिखते समय कौन कौन सी बातें अपने को ध्यान में रखनी है। शब्द सीमा का पूरा ध्यान रखना है, 50 शब्द जो है इसके निश्चित किए गए हैं तो वही रखने हैं। बार बार किसी चीज़ को वापस जो है रिपीट नहीं करना है। कि और स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूट है या ऑफिस है उस या किसी प्रकार की संस्थान है तो उनका नाम लिखना है और कैपिटल लेटर में नोटिस शब्द लिखा जाएगा, अच्छी एक हेडिंग दी जाएगी। उसके अलावा जो नोटिस इश्यू करने की डेट है वो मेंशन होती है और टारगेट ग्रुप जो है निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए, नोटिस मेंशन होना चाहिए किन लोगों के लिए नोटिस है, उसका क्या उद्देश्य है, और सब प्रकार की जानकारी उसमें इंक्लूड करते हुए अपने को लिखनी है। और सबसे लास्ट में जो नोटिस इश्यू करने वाला व्यक्ति होता है उसके डिजिग्नेशन और सिग्नेचर अवश्य होते हैं। तो ये थे नोटिस लिखते समय महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में। अब एक नोटिस जब लिखा जाता है तो उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण जो है पार्ट होते हैं, यानी किस किस प्रकार के नोट्स में नोटिस की जो है मेन हेडिंग्स है, तो वो एक अलग पार्ट हो गया, इसका कंटेंट मेन बॉडी है वो अलग पार्ट हो गया। तो सबसे पहले पार्ट में जो है वो है आपकी नेम ऑफ इश्यूइंग एजेंसी, नेम ऑफ ऑफिस, नेम ऑफ एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले जो है नोटिस जैसे ये बॉक्स है लिखा जाएगा तो सबसे पहले जो है इसमें सबसे ऊपर उसका नाम लिखा जाएगा, नोटिस इश्यू करने वाली एजेंसी का, क्लियर। उसके बाद डेट ऑफ इश्यू और रिलीज ऑफ द नोटिस, जिस दिन नोटिस जो है वो इश्यू किया जा रहा है उसकी डेट जो है वो लिखी जाती है। ये दो नंबर हो गया आपके, इसके पार्ट्स देख रहे हैं मुख्य तौर पर, जो उसके मुख्य मेन मेन पार्ट होते हैं वो देख लेते हैं। फिर तीसरा जो है टाइटल एंड सब्जेक्ट ऑफ द इवेंट, यानी किस प्रकार के आयोजन के बारे में ये नोटिस है, किस प्रकार की सूचना दी जा रही है, उसकी हेडिंग हो जाएगी, ये पार्ट थर्ड हो गया, क्लियर। पहला क्या हो गया, इंस्टीट्यूट का नाम, दूसरा जो है डेट, नोटिस इश्यू की डेट, तीसरा जो है हेडिंग ऑफ द इवेंट, और फिर है बॉडी। अब बॉडी जो इसमें चौथा जो पार्ट है इसका मेन कंटेंट, इसको बॉडी कहते हैं, कंटेंट कहते हैं, जिसमें सब प्रकार के नोटिस के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई जाएगी, ये सारी की सारी हो गई। देखो मेन बड़े तौर पर जो है इसके, ये तो हो गया हेडिंग का पार्ट, ये एक नंबर जो है पूरा, जिसमें नाम भी हो गया, डेट हो गई कैपिटल लेटर में, वो नोटिस शब्द भी हो गया, और चौथा जो है आपके हेडिंग टाइटल हो गया, ये जो है हेडिंग वाला पार्ट हो गया। फिर जो है इसका कंटेंट, इस नोटिस की कंटेंट जिसको बॉडी भी बोलते हैं, ये वाला पार्ट जिसमें सब प्रकार की सूचना देनी है, व्हेन, वेयर, व्हाट, इन प्रकार के, कब और किस प्रकार का आयोजन होने वाला है। और लास्ट जो पार्ट होता है पांचवा, उसमें आपके जो है नोटिस इश्यू कौन कर रहा है, इश्यू करने वाले व्यक्ति के साइन का पार्ट। बड़े तौर पर तीन हिस्से होंगे इसके, देखो एक तो पहला हेडिंग का, दूसरा कंटेंट बॉडी, और तीसरा जो है सिग्नेटरी, तीन जो कौन साइन करने वाला उसके, उसी के अकॉर्डिंग, इसी के पार्ट के अकॉर्डिंग, कौन से पार्ट में क्या क्या, उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग भी आप लोगों के लिए निर्धारित कर रखी है। तो ये जो है नोटिस के पार्ट हो गए। अब देखते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा इसमें नोटिस किए थी अलग अलग पार्ट्स हो गए, और उसी पार्ट के अकॉर्डिंग अब जो है नोटिस का फॉर्मेट क्या रहेगा। जैसे अभी हम लोगों ने ये कच्चा चिट्ठा बनाया तो इसका वास्तविक फॉर्मेट क्या रहेगा, इसको अगली स्लाइड में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें फॉर्मेट ऑफ नोटिस, फॉर्मेट ऑफ नोटिस में सबसे पहला मैंने क्या बताया था, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन, जो भी संस्थान, जो भी ऑफिस, जो भी स्कूल इस नोटिस को इश्यू कर रहा है उसका नाम हो जाएगा सबसे ऊपर टॉप में। फिर कैपिटल लेटर में अपने को क्या लिखना है, नोटिस शब्द लिखना है, सूचना, ताकि पता चल जाएगी ये क्या चीज़ है। फिर अपने को क्या मेंशन करनी है तीसरे नंबर पर, डेट। अब डेट कई जगह जो है राइट साइड में भी लिखी जा सकती है और लेफ्ट साइड में लिखी जा सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और कई बार नोटिस शब्द के ऊपर भी होती है, कई बार नीचे भी होती है, इससे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आपको तीसरी चीज़ ध्यान रखनी है, डेट मेंशन करनी है, डेट के भी अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं। फिर चौथा जो है आपको
बीच में आपको क्या देनी है, उस नोटिस की हेडिंग देनी है, यानी वो नोटिस किस बारे में है उसकी सूटेबल हेडिंग हो जाएगी। चार पार्ट हो गए, ये यहाँ तक का जो पार्ट है वो आपके हेडिंग का पार्ट हो गया, नोटिस की हेडिंग का पार्ट, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, फिर नोटिस कैपिटल लेटर में, फिर डेट हो जाएगी मेंशन, डेट के बाद आपको उस नोटिस का हेडिंग देना है। फिर देखिए, अब हम लोग जो इसके मेन जो कंटेंट है उसकी जो बॉडी है नोटिस की, उसके बारे में चर्चा करते हैं। नोटिस की जो कंटेंट है, मेन बॉडी जो है, उसमें अपने को सबसे पहली लाइन में हम लोग सामान्य तौर पर क्या मेंशन करते हैं, मेंशन द ग्रुप फॉर हुम द नोटिस इज। ये नोटिस किसके लिए है, सबसे पहले जो है वो पहली लाइन में अपने को मेंशन करना होता है। सामान्य तौर पर किस प्रकार के होते हैं सूचनाएं, कक्षा दसम के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, तो किसके लिए, फॉर हुम, फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास टेंथ, या ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, ऑल द स्टूडेंट्स, ये ऑल द स्टूडेंट्स पहले क्या मेंशन करना है, टारगेट ग्रुप किसके लिए लिखा जा रहा है, तो ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास ट्वेल्थ, क्लास ट्वेल्थ के सारे विद्यार्थियों के लिए, फॉर हुम, तो वो अपने को सबसे पहले कंटेंट में ये चीज मेंशन करनी है। विद्यार्थियों के अर्थ में हो गया, वे हो गया आम जन को सूचित किया जाता है कि आम जन की, यानी ऑल द सिटीजन ऑफ किसी प्लेस का नाम हो गया, ऑल द सिटीजन ऑफ जोधपुर आर इन्फॉर्म्ड दैट, जोधपुर के सभी नागरिकों को, किसी भी पर्टिकुलर जगह के सभी नागरिकों को, यानी किसको सूचित किया जा रहा है वो सबसे पहले अपने को मेंशन करना है। फिर क्या हो गया, डेट, टाइम, वेन्यू एंड ऑल इम्पोर्टेंट डिटेल्स क्या मेंशन करनी है इसमें, अगर किसी भी प्रकार का इवेंट आयोजित हो रहा है तो डेट और टाइम वगैरह, यानी कब और कहाँ और प्लेस और जगह के बारे में भी अपने को मेंशन करना है। क्लियर। फिर देखिए, इंक्लूड आंसर टू ऑल द 5 W's, जितने भी ये W वाले वर्ड हैं इनका आंसर देते हुए, व्हाट, व्हाट का आंसर क्या हो गया, यानी क्या चीज़ के बारे में सूचना है। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि क्विज कंपटीशन का आयोजन हो रहा है, किसका आयोजन हो रहा है वो क्या हो गया, क्विज। अब वाई, वाई तो किसके अर्थ में यूज लिया जाएगा, व्हेन वी हैव टू शो द पर्पज ऑफ एनी इवेंट, पर्पज यानी उसका उद्देश्य क्या है, किसी प्रकार के इवेंट को आयोजित कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, उसके लिए अपने को वाई। व्हेन, कब आयोजित होगा, ये सारी चीज़ें इसमें आई गई, डेट और टाइम, वेयर, प्लेस के बारे में, और हु इज ऑर्गेनाइजिंग, और किसी प्रकार का आयोजन हो रहा है तो इसको आयोजन करने वाला कौन है। अब फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे किसी प्रकार क्विज कॉम्पिटिशन है, तो क्विज कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू टेक प्लेस, या और स्कूल इज गोइंग टू हेल्ड अ क्विज कॉम्पिटिशन इन आवर स्कूल असेंबली। ओके, तो उस समय अपने को ध्यान रखना है कि भैया क्या हो गया, क्विज कॉम्पिटिशन हो गया, कहाँ पर, स्कूल में हो गया। वेन, ऑन 2nd of November, 2nd November को आयोजित होने वाला, जो हो आयोजित होने वाला है। ओके, अब हु से तात्पर्य क्या हो गया, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th and 12th कैन पार्टिसिपेट, हु कैन पार्टिसिपेट इन दिस क्विज कॉम्पिटिशन, क्विज कॉम्पिटिशन में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके बारे में मेंशन हो गया। ये सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। एनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट इज नीडेड, बॉडी ऑफ द नोटिस, किसी भी प्रकार की और भी कोई सूचना इसमें जानकारी आवश्यक है तो वो जो है आपके क्या होगी, उसमें मेंशन करनी है। और वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, इस बॉडी की वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए, 50 words तक। ये है मेन कंटेंट इसका। तो कंटेंट में क्या क्या बातें अपने को मेंशन करनी, और आगे हम लोग देखेंगे इसके और अच्छे तरीके से आसान बनाने का प्रयास किया मैंने, ताकि आप इस सरल से टॉपिक को कितने अच्छे से इसमें ऊपर आप जो है महारत हासिल कर सकें। तो महारत हासिल करनी है ना आप लोगों को इसी प्रकार से, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के और भी मज़ेदार और भी रोचक तरीके से आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आते रहूँगा विद्यार्थियों। चलिए, फिर देखिए, ये तो हो गया इसका मेन कंटेंट जो है, बॉडी वाला पार्ट। फिर इसका सबसे लास्ट पार्ट क्या होता है, सिग्नेचर वाला पार्ट। सिग्नेचर किसके, जो हु इज इश्यूइंग द नोटिस, उस व्यक्ति के सिग्नेचर होंगे जो नोटिस इश्यू कर रहा है, उस व्यक्ति का नाम और उस व्यक्ति की डिजिग्नेशन। हो गया अपना नोटिस पूरा, सबसे पहला पार्ट क्या है, हेडिंग का पार्ट हो गया, फिर मेन कंटेंट हो गया, और फिर सिग्नेचर का पार्ट, नोटिस पूरा हो गया। नहीं, सबसे लास्ट बात क्या ध्यान में रखनी है अपने को, नोटिस को किस में डालना है, बॉक्स में डालना है। नोटिस को अच्छे से बॉक्स में डालिए, अच्छे से लाइन खींच करके रूलर का प्रयोग करते हुए। क्लियर।
तो ये फॉर्मेट हो गया नोटिस का, कौन कौन से मुख्य भाग हैं इसके, ये हेडिंग वाले पार्ट हो गए, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, नोटिस, डेट ऑफ इश्यूइंग द नोटिस एंड सुटेबल हेडिंग, सॉरी, फिर इसके मेन कंटेंट बॉडी हो गई, और सबसे लास्ट पार्ट हो गया सिग्नेचर वाला। क्लियर, आगे बढ़े। अब देखिए, अब मार्किंग स्कीम किस प्रकार से रहेगी। पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देख लिया कि नोटिस के मुख्य पार्ट कौन कौन से होते हैं, अब अंक का निर्धारण किस प्रकार से होता है, यानी कौन कौन से पार्ट के। अपने को ये तो पता है कि कितने अंक आता है आपके एग्जामिनेशन में, 4 अंक आता है, तो उस 4 अंक का निर्धारण किस प्रकार से होगा, यानी किस में कितने अंक मिलेंगे। जो आप फॉर्मेट टाइटल वाला जो पार्ट है, हेडिंग वाला, जिसमें नोटिस शब्द लिखा जाता है, उस नोटिस की हेडिंग होती है और इंस्टीट्यूट का नाम वगैरह, डेट वगैरह, और साइन वाला पार्ट भी, और नाम एंड डिजिग्नेशन, ये जितना भी पार्ट था, यानी जो पिछली स्लाइड में हम लोगों ने नहीं देखा, ये वाला पार्ट, एक तो ये और एक ये, इस पार्ट के आप इतना भी करते हैं तो 1 नंबर आपका तय हो जाता है, ये वाला ऊपर वाला पार्ट, ये और ये नीचे वाला सिग्नेचर वाला पार्ट, तो 1 नंबर आपके तय हो जाता है। क्लियर। फिर दूसरा जो कंटेंट वाला पार्ट है, ये महत्वपूर्ण होता है, बॉडी जो है इसकी, जिसमें अपने को ये सारी सूचनाएं मेंशन करनी है, कहाँ पर आयोजित होगा, कब होगा, टारगेट ग्रुप क्या है, उसका एजेंडा क्या है, ये जो पूरा जो आपकी 50 वर्ड वाला पार्ट है, ये जो है वो पूरा 2 अंक का होता है। 1 अंक तो कौन सा है, हेडिंग टाइटल और नीचे साइन और नाम वाला, और 2 अंक इसके कंटेंट के रहते हैं, मेन बॉडी के। और तीसरा जो है, फिर इसमें देखी जाती है आपकी लैंग्वेज कोरेंस, स्पेलिंग्स और ग्रामेटिकल एक्यूरेसी आप कितनी रखते हैं, ग्रामर की कोई मिस्टेक नहीं करते हैं, भाषा शैली आपकी कैसी है, इन सब चीज़ों के आपको कितने अंक मिलते हैं, 1 अंक आपको इन सब चीज़ों का मिलता है। इसलिए विद्यार्थियों, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो क्वेश्चन को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, लेकिन अपने को छोड़ना किसी भी हालत में नहीं है। अटेम्प्ट कीजिए, आप उसकी हेडिंग डाल लिए, उसके नीचे सिग्नेचर वाला पार्ट कीजिए, तो अभी आपके कम से कम 1 नंबर तो है आ ही जाएगा। फिर आप कंटेंट वाले में टूटा फूटा लिखते हैं, तो अभी उसमें से 2 में से 1, यानी बड़ी आसानी से 4 में से 3 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। 4 में से 4 तो बहुत से विद्यार्थियों के आते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके मेन कंटेंट था, जिसमें हमने देख लिया फॉर्मेट का 1 अंक, कंटेंट के 2 अंक बीच वाला पार्ट, और एक्सप्रेशन जो आपकी लैंग्वेज वगैरह है उसके जो है अंक मिला करके, इस प्रकार से 4 अंक आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सभी विद्यार्थी प्राप्त कर लोगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब सेंटेंस पैटर्न सबसे महत्वपूर्ण यही है विद्यार्थियों। मैं आगे अगला एक और नोटिस का वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग जो है नोटिस को और आसान तरीके से करते हैं। अब नोटिस लिखते समय लेखन शैली आपको किस प्रकार की रखनी है। अब देखिए, आपके सामने 2 सेंटेंस है। नोटिस देखो, एक तो मैं जो है सीधा साधारण, हम लोग जो है सेंटेंस को लिखने का तरीका है उसके आधार पर सेंटेंस जो है हम लोग, अब कई बार आपकी क्लासों में तो अब नहीं रहे, लेकिन ग्रामर आपको पहले पढ़ाई जाती है, तो उसमें आपको वॉइस निश्चित रूप से पढ़ाए जाते हैं। तो सेंटेंस को 2 तरीके से लिखा जा सकता है, एक एक्टिव में और एक पैसिव में। ठीक है ना, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का ज्ञान भी अपने यहाँ महत्वपूर्ण है। अब जो सेंटेंस लिखा हुआ है, स्कूल विल सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर। स्कूल विल सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर। दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, गांधी जयंती विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर इन स्कूल। दोनों में फर्क क्या है, एक में जो पहला सेंटेंस है वो आपके एक्टिव वॉइस का है, और दूसरा जो सेंटेंस है वो आपके पैसिव वॉइस का है। क्लियर। अब इसमें बार बार आपके ज़्यादातर कई बार जो है पैसिव वॉइस के सेंटेंसेज का कंपोजिशन के जितने भी पार्ट हैं आपके, ये शॉर्ट कंपोजिशन ही नहीं, रिपोर्ट राइटिंग वगैरह, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन वगैरह, उनमें भी कंपोजिशन के पार्टों में सेंटेंस को लिखने के तरीके जो अलग अलग होंगे, वो एक्टिव में कई बार होंगे, कई बार पैसिव में होंगे, तो बहुत से विद्यार्थी इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और इसमें गलती कर देते हैं। तो सामान्यतः नोटिस में सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय इस चीज़ का आयोजन करेगा, या हमारे इंस्टीट्यूट इस चीज़ का आयोजन करेगी, हमारी संस्था इस चीज़ का आयोजन करेगी। तो सेंटेंस को दोनों तरीके से लिखा जा सकता है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट। अब इस तरीके से लिखेंगे तो अपने इसका सामान्यतः तौर पर जो है एक्टिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर रहता है वो फॉलो किया जाएगा। सब्जेक्ट होगा,
फिर वर्ब होगी आपके, हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर मैन वर्ब होगी, है ना, और फिर ऑब्जेक्ट होगा। और पैसिव वाले में क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, और फिर जो है जो आपके हेल्पिंग वर्ब यूज ली जाती है, फिर थर्ड फॉर्म होती है उस सेंटेंस में। तो अपने को इसी को समझना है कि एक तो साधारण सेंटेंस बनता है कि स्कूल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाएगा, और एक जो पैसिव का सेंटेंस है वो बनता है गांधी जयंती स्कूल में 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। तो कुछ विद्यार्थी इस बात की लेकर के कुछ मिस्टेक्स इसी वजह से कर देते हैं कि वो क्या करते हैं, जब पैसिव का सेंटेंस लिखते हैं तो पैसिव के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते हैं। पैसिव के स्ट्रक्चर में सामान्यतः क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा, जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना वो, फिर वर्ब कौन सी, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की फॉर्म हमेशा पैसिव में कौन सी आती है बच्चों, थर्ड फॉर्म, इस बात का ध्यान रखें। फिर जो है उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या बाई प्लस जो है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया वो। अब इस सेंटेंस में ये स्कूल अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में हो गया, तो इसमें बाई स्कूल का प्रयोग करने के बजाय इन स्कूल का प्रयोग कर दिया गया। और भी ऐसे बहुत से सेंटेंस हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी और अन्य कंपोजिशन के टॉपिक में देखेंगे तो जो है विद्यार्थियों को इनाम बांटे गए या विद्यार्थियों में मिठाई बांटी गई, तो स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टूडेंट, किसने बांटी वो महत्वपूर्ण नहीं है, विद्यालय का प्रोग्राम है तो बांटी गई, तो वो पैसिव में सेंटेंस से ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो इस बात को महत्वपूर्ण अपने को ध्यान रखना है कि पैसिव में जब सेंटेंस लिखा जाएगा तो सेंटेंस पैटर्न को किस प्रकार से अपने को फॉलो करना है। क्लियर विद्यार्थियों, सेंटेंस के पैटर्न में आप बिल्कुल नहीं चूकेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए, और मैं एक बार और वीडियो इसके लिए लेकर आऊँगा जिसमें हम लोग एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, जिसके माध्यम से और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अभी कंटेंट में एक बात आई थी कि आपको उस कंटेंट में जो 5 चमत्कारिक जो W है, 5 W जिसको कहते हैं, उनका आंसर देते हुए लिखना था कि कंटेंट आपके आसान हो जाए। 5 कौन कौन से हैं, व्हाट, व्हाट का अर्थ क्या हो गया, क्या, वाई, क्यों, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ और हु, कौन, इनका आंसर देते हुए अपने कंटेंट में लिखना है। तो पहली लाइन में जैसे आपके पहले ही पहल जो है वो क्या चीज़ के बारे में सूचना दी जा रही है, वो किस बारे में सूचना है, तो वो पहली लाइन में पता चल जाएगा। अब ये सिलेक्ट टारगेट ग्रुप हो गया, फॉर हुम, इसका मेंशन भी होगा इसमें WH वर्डों में कि भाई ये किसके लिए आयोजित हो रहा है। तो जैसे फॉर ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, अब किस बारे में, दैट डिबेट कंपटीशन इज गोइंग टू टेक प्लेस इन आवर स्कूल, तो क्या का आंसर मिल गया, ये क्या चीज़ आयोजित हो रही है। ऑल द सिटीजन ऑफ किसी शहर का जगह का नाम बता दिया गया, ऑल द सिटीजन ऑफ अशोक नगर आर इन्फॉर्म्ड दैट ब्लड डोनेशन कैंप इज गोइंग टू टेक प्लेस, या आई ऑपरेशन कैंप, या सामान्य तौर पर ऐसा कहते हैं कि सबको सूचित किया जाता है कि भंडारे का आयोजन होने वाला है। भंडारे के बारे में जैसे ही सुने लोग बड़े प्रफुल्लित होते हैं कि मुफ्त में कुछ खाने को मिलेगा, तो ये बता रहा है कि ये भंडारा जो शब्द है वो क्या आयोजित हो रहा है, किसके बारे में सोचना है। वाई, वाई क्या बताएगा, यानी क्यों, जो भी आयोजन किया जा रहा है उसका पर्पज़ क्या है, वॉट इज़ द पर्पज़ ऑफ दैट इवेंट, उसके बारे में भी अपना को बताना है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ऑर्गेनाइजिंग एनी काइंड ऑफ अवेयरनेस कैंप, आप जो है किसी प्रकार की जागरूकता कैंप का आयोजन कर रहे हैं, टू मेक द पीपल अवेयर, टू मेक द पीपल अवेयर ऑफ, अब ये क्या हो गया, इस प्रकार का सेंटेंस लिखेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उसके पर्पज़ के बारे में पता चल जाएगा जो भी इवेंट आयोजित कर रहे हैं। वैन, वैन में तो अपने को पता चल ही जाएगा, ऑन कितनी तारीख को, उस डेट को मैंसन कर दिया गया, एट किस समय पर आयोजित होगा, या अर्न वर्ड्स कितने बजे से आयोजित होगा, तो इस प्रकार से अपने को वेन टाइम का पता चल जाएगा। एंड प्लेस भी मेंशन करना है, ये जो भी चीज़ आयोजित हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, अब कहाँ का पता नहीं चले लोगों को, कौन कह रहे हैं कि आयोजित हो रही है या कब आयोजित हो रही है, डेट बताई नहीं, सीधा इतना ही बोल दिया कि सत्संग का आयोजन है, सत्संग कहाँ पर है, कब है, ये बातें बताई नहीं, तो फिर उस नोटिस का क्या अर्थ हुआ। और हु यानी कौन लोग जो है इससे लाभान्वित हो सकते हैं, कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, अब स्कूल से रिलेटेड कोई इवेंट होगा तो हु कैन पार्टिसिपेट, किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता हो रही है, किसी भी प्रकार का कंपटीशन हो रहा है, तो उसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है या कौन इससे लाभान्वित होगा, ये चीज़ भी अपने को अवश्य मेंशन करनी है। तो ये 5 चमत्कारिक जो W's हैं उनके आंसर देते हुए अपने को उसका जो सेंटेंस के
मेन जो कंटेंट है, बॉडी जो है उसमें इन सब बातों को अपने को अवश्य मेंशन करना है। समझ गए प्यारे बच्चों? फिर देखिए सेंटेंस पैटर्न में और थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं। हम सामान्य तौर पर एक थोड़ा सा एक फॉर्मेट भी देख लेते हैं, जो ज़्यादा लंबा भी नहीं हो जाए। अगले वीडियोज़ में थोड़ा सा और उसके एग्जाम्पल ले लेंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं सामान्य तौर पर इसकी शुरुआत किस प्रकार से की जाएगी। ऑल दी, अब किसके लिए है? मैंने अभी बता दिया ये एग्जाम्पल बोल बोल के आपके। ऑल दी, जैसे स्कूल का है तो ऑल द स्टूडेंट्स, या जैसे मान लो ट्वेल्थ का है तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ट्वेल्थ आर इन्फॉर्म्ड दैट, सभी को सूचित किया जाता है कि। अब किस बारे में सूचित किया जाता है, यानी ये तो बता दिया किस बारे में, मतलब अभी आगे किस बारे में, किसको सूचित किया जाता है वो, और किसके द्वारा। अब कोई भी आयोजन कर रहा है तो वो कौन कर रहा है उसके बारे में बता दिया। आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट ऑर्गेनाइज हेल्ड, है ना, तो ये जो है हमारा विद्यालय आयोजन करने जा रहा है। किस चीज़ का आयोजन करने जा रहा है, अब यहाँ पर मेंशन करनी है नेम ऑफ द इवेंट। अब कौन सी तारीख को, व्हेन और एट, कहाँ पे, वेयर, नेम ऑफ द प्लेस, तो पहली लाइन इस प्रकार से हो जाएगी। भले स्कूल का नहीं, जब किसी बाहरी जगह का है, सभी आमजन को सूचित किया जाता है कि जो है सामान्य तौर पर जो है हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन आयोजित किया जा रहा है। तो ये इस प्रकार की लैंग्वेज हो गई सामान्य तौर पर, अभी जो हम लोगों ने देखा ही था उसका एग्जाम्पल हो गया। फिर उसके बारे में और फर्दर जानकारी दीजिए, उस इवेंट के बारे में क्या है, कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा वो वगैरह। और सबसे लास्ट में जो है अपने को लाइन लिखनी होती है, उसकी जानकारी देने के बाद कोई भी व्यक्ति इंटरेस्टेड है तो इंटरेस्टेड में गिव देयर नेम टू अंडरसाइंड पर्सन, नीचे अदर हस्ताक्षरकर्ता को अपने नाम दे सकते हैं, या किसी प्रकार का आप एप्लीकेशन जो है इनवाइट करें लोगों से तो उसके लिए अप्लाई करवा सकते हैं, या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या अपना रजिस्ट्रेशन जो है इतने समय तक या इतने पहले से पहले पहले करवा सकते हैं। क्लियर? और इसको अच्छे से देख लेंगे, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों मित्रों के साथ में शेयर करना ना भूले। थैंक यू।